हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं मोहम्मडन लॉ के बारे में। ठीक है, ये मोहम्मडन लॉ होता क्या है और कौन से लॉ से जो है मुस्लिम रेगुलेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोहम्मडन लॉ लिखा हुआ है, एक्चुअली में मुस्लिम जो है एक शरीयत, जिसको शरीयत विधि बोलते हैं, ठीक है, उससे ये रेगुलेट होते हैं, शरीयत विधि। अभी मैं बताऊंगा कि शरीयत विधि एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले बता दूं, जो मोहम्मडन लॉ है वो एक सिविल लॉ है, सिविल पर्सनल लॉ। ठीक है, मोहम्मडन लॉ जो है एक सिविल पर्सनल लॉ कहलाता है। और दूसरी बात जो है, ये अधिकतर जो है ट्रेडिशन को फॉलो करता है, यानी कि जो कस्टम्स और यूसेज हैं, ठीक है, जो रीति रिवाज हैं उसको फॉलो करता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि शरीयत होता क्या है। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा और समझ में भी आएगा ये शरीयत क्या होता है, शरीयत विधि क्या है, कैसे बनी। ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये हम बता दें कि ये जो मुस्लिम हैं ये अरबवासी हैं। ठीक है, यानी कि पहले जो है ये अरब के क्षेत्रों में जो है इनके जाति वर्ग वहाँ पे पाए जाते थे। अब धीरे धीरे जो है कई जगहों पे ये होने लगे। अब बात करें अरब में जो था वो वहाँ पे इस्लाम जो है, इस्लाम का धर्म का सबसे पहले उदय हुआ अरब में। तो अरब में जिस तरह से लोग रहते थे, इस्लाम में इस्लाम के लोग वो कबीले के रूप में रहते थे। ठीक है, वो कबीले के रूप में, यानी कि 10-15 करीब झोपड़ी बना करके, घर बना करके अपना जो है रहते थे, उसको कबीला बोला जाता था। कबीले में रहने वाले लोगों को कबीलाई बोलते थे, यानी कि जो लोग कबीले में रहते थे, ऐसे मनुष्य, ऐसे इस्लाम को मानने वाले, उनको कबीलाई के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले एक और बात बता दें, ऐसे कबीलाई में कोई न तो कोडिफाइड लॉ था, न तो कोई लिखित, ठीक है, रिटेन फॉर्म में कोई लॉ नहीं था। वहाँ पे कैसे फॉलो होते थे, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, जो कस्टम्स हैं, उसी को उन्होंने फॉलो किया। अब हम बात करें अगर 7वीं सदी की, तो धीरे धीरे जो है 7वीं सदी में मुस्लिमों का विस्तार मदीना में होने लगा। ठीक है, मक्का मदीना, मुस्लिमों का जो विस्तार है वो मदीना में होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे फैलने लगे, और उन सारे कबीलाई में, जितने भी कबीले में निवास करने वाले लोग थे, उन पे जो है मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ, जिसको हम कुरान के नाम से जाने जाते हैं, वो उन पे हावी होने लगा। हावी का मतलब ये है कि, यानी कि कुरान में जो है कुछ रीति रिवाज दिए गए हैं, वो जो है, ठीक है, कुरान के रीति रिवाज को फॉलो करने लगे। ठीक है, तो अब हम अगर एक शब्द में बोलें कि शरीयत क्या होता है, तो शरीयत जो है लिखित और अलिखित नियमों का सम्मिलन है। क्या है? नियमों का। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं समेशन ऑफ रिटेन एंड नॉन रिटेन फॉर्म ऑफ लॉ। ठीक है, लिखित और अलिखित नियमों का सम्मिलन। ये कैसे होगा, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिए, तो जो शरीयत विधि में दो तरह के चीज़ें जो है लागू होती हैं। शरीयत विधि में जो है सबसे पहले अगर हम बात करें लिखित की, तो लिखित क्या है, जो कुरान में लिखा गया रूल है, जिसको हम कुरान में लिखे गए लाइन को आयत कहते हैं। ठीक है, उस आयत को जो है देखना है कि आयत क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो उनके रीति रिवाज को फॉलो करते थे। और दूसरा टाइप ये हुआ, जो पहले से इनके जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से क्या है, यानी कि ये जो रीति रिवाज थे वो अलिखित थे और कुरान वाला क्या था, लिखित था। तो सिंपल सा वो लोग कहते हैं कि लिखित और अलिखित रिवाजों का सम्मेलन ही क्या कहलाता है, शरीयत का, शरीयत नियम कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब ये जो मुस्लिम लॉ है, यानी कि जो जितने भी इस्लामिक समाज होते हैं, ठीक है, वो शरीयत लॉ के हिसाब से चलते हैं। जितने भी इस्लामिक समाज हैं वो शरीयत लॉ के हिसाब से चलते हैं। ठीक, जो शरीयत लॉ है वो, उसको कहते हैं शरीयत हदीस पर निर्धारित होता है। क्या है ये वर्ड, थोड़ा सा ध्यान देखिए, शरीयत हदीस। ये हदीस जो है नया शब्द आपको मिला है, हदीस। हदीस मतलब ये होता है पैगंबर द्वारा जो जो काम किए गए हैं, जो शब्द उनके हैं, जो बोले थे, उनके अनुसार काम करना ही शरीयत हदीस कहलाता है। ठीक है, यानी कि मूल रूप से जितने भी समाज, इस्लामिक समाज थे, सब जो है शरीयत विधि को फॉलो करने लगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए, लेकिन ये जो है व्यवहारिक जो समस्याओं का समाधान था उसी पर केवल आधारित थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, ठीक है, लोग विकसित हुए या विकास विकसित की ओर अपना कदम बढ़ाएं, वहाँ स्थिति कुछ और थी। ठीक है, और ये कहना कि शरीयत विधि में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये जो है कुछ अच्छा नहीं है। बदलाव बहुत हुए हैं। ठीक है, पैगंबर के जिंदा रहते हुए कुरान में कोई लिखे हुए जो भी कानून थे, पैगंबर या उनके सामने जो भी समस्याएं आई थी, ठीक है, वो उनके अनुसार था। लेकिन जैसे जैसे जब उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि जब पैगंबर साहब की मृत्यु हुई, तो धीरे धीरे वहाँ पे धार्मिक जो संस्थान थे और जो न्यायिक व्यवस्था थे, यानी कि जो भी लीगल इंस्टीट्यूट थे, वो शरीयत विधि पे लागू होने लगे, यानी कि प्रभावी होने लगे। और आगे चल करके इसी शरीयत लॉ को अलग अलग मुस्लिम विधिवत्ता अलग अलग तरीके से व्याख्याएं करने लगे। तो आगे चल करके ये जो शरीयत लॉ है आपका, वो जो है कुछ वर्गों में विभाजित हो गया। अब देखिए कौन कौन से, इसको आप नोट डाउन करिएगा। पहला नंबर था हनफिया, यानी कि चार संस्थाएं बनी। पहला नंबर हनफिया, मैं लिख दे रहा हूँ हनफिया। दूसरा नंबर था मलकिया, मलकिया। और तीसरा नंबर था सफिया। तीसरा नंबर जो है सफिया था। और चौथा नंबर जो है हनबलिया था। ये चार तरीके हैं। पहला था हनफिया, दूसरा मलकिया, और तीसरा शाफिया, और चौथा हनबलिया। यानी कि जैसे जब उनकी मृत्यु हो गई, तो आगे चल के ये जितने भी शरीयत लॉ था उसको अलग अलग इंटरप्रिटेशन होने लगा। अलग अलग जूरीज जो है, जो मुस्लिम लॉ को जो इंटरप्रिटेट करते थे, वो अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करने लगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रिटेट करने लगे। और इंटरप्रिटेट करने के बाद जो है, यहाँ से चार संस्थाएं निकल के आईं, जो हम बता दिए, हनफिया, मलकिया, शाफिया और हनबलिया। ये चार अलग अलग संस्थाएं विकसित हुई। और ये जो है मुस्लिम देशों ने क्या किया, इन इनके ही अनुसार जो है कानून को लागू करने लगे। ठीक है, यानी कि शरीयत विधि को लागू करने लगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो नॉर्मल बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहाँ का जो सब पे लागू हुआ। लेकिन हम अगर हम बात करें इंडिया की, कहाँ की, इंडिया की बात करें, तो क्या इंडिया में भी शरीयत विधि लागू होता है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ इंडिया में भी है? इसका क्वेश्चन मैं, क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दे दूंगा। तो जब बात रही इंडिया की, तो भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट जो है 1937 में,
1937 में जो है पास कर दिया गया। इसके पीछे क्या था रीजन, क्यों इसको पास किया गया? इसके पीछे रीजन ये था कि जितने भी भारतीय मुस्लिम थे उनके लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए एक जो है पर्सनल कोड बनाया जाए, उनके लिए एक पर्सनल जो है कोड बनाया जाए ताकि उससे वो रेगुलेट हों। ठीक, उस वक्त क्या था जिस समय 1937 में बना, उस वक्त भारत पर शासन कौन कर रहा था? उस समय ब्रिटिश का शासन था। ठीक है, और जहाँ तक ब्रिटिश का जो शासन था, कोशिश ये थी कि वे भारतीयों पर जो सांस्कृतिक शासन करें वो ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक तरीके से, उनके जो रूल कस्टम से उसके अगेंस्ट न जा करके शासन करें। ठीक है, तब 1937 में ये कोड पास हुआ, उससे मुस्लिमों के अंदर शादी, तलाक, विरासत जिसको विल कहते हैं, या जितने भी फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो सब जो इस एक्ट के, यानी कि 1937 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत ये रेगुलेट किए जाते थे। अब रही बात कि क्या उस टाइम गवर्नमेंट उसके कामों में हस्तक्षेप करती थी, तो वहाँ पे कोई उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं होता था, वो सब जो है एक्ट 1937 जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था उसी के हिसाब से रेगुलेट होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि क्या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है केवल मुसलमानों के लिए है? ये दिमाग में रखिएगा कि भारत में जितने भी धार्मिक समूह हैं उनके लिए भी ऐसे ही कानून बनाए गए, सबके अलग अलग है। हिंदुओं के लिए अलग कानून है, हिंदू लॉ जिसको बोलते हैं, 1955 में हिंदू मैरिज लॉ पारित हुआ, उसके लिए एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 में आया, ये तमाम चीज़ें हैं। तो उसी तरह से मुस्लिमों में भी 1937 में जो है पर्सनल लॉ लेकर आया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या, मान लीजिए अभी तो हम शरीयत लॉ बताएं, अब भारत में शरीयत लॉ तो सब जगह लागू है, भारत में जो है एक क्वेश्चन हुआ, क्या भारत में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में या जो लॉ है वो उसमें कोई बदलाव आया है? तो इसमें बात करें तो इस पे जो बहुत सारे तमाम डिबेट हो चुके हैं और मुद्दा भी है, जो है एक केस था सायरा बानो का, उससे रिलेटिव जो है यहाँ पे बर्निंग पॉइंट्स भी है। जब महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुए अधिकारों की बात होती थी तो उनमें और उनके अधिकारों और उसके हिसाब से मुस्लिम जो लॉ है, जो रीति रिवाज है शरीयत एक्ट, उससे टकराव होने लगता था, तो वहाँ पे लेकर के जो है कई डिस्प्यूट हुए हैं, जिसमें से साहबानो का केस, ठीक है, जिसमें साहबानो का केस काफ़ी इम्पोर्टेंट था। साहबानो का केस जो 1985 में ये हुआ, ठीक है, और उन्होंने जो है एक पिटीशन दायर करके जो है साहबानो ने जो है अपने पति के मर जाने के बाद, अनेक उनके पति का डेथ हो गया था, उनके मर जाने के बाद जो है वो अपनी मेंटेनेंस के लिए जो है पिटीशन दायर की थी। तो वहाँ से जो है क्या हुआ कि जो इस्लामिक विधि है उसको रेगुलेट करने वाले लोग जो उसको उसका विरोध किए थे, जब उन्होंने जो एक पिटीशन दायर किया अपने पति के मृत्यु हो जाने के बाद गुजारे के लिए, यानी कि जो भी मेंटेनेंस था, भरण पोषण था, उसके लिए काफ़ी विवाद का विषय रहा। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो है सरकार ने उसी वक्त मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट पास किया, यानी कि इसी केस को हवाला देते हुए उस टाइम जो है जो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे मुस्लिमों के लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स्ड, ठीक है, पारित किया। और यहाँ पे बात रह गई कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने की, तो ये उसमें प्रावधान किया गया था कि इद्दत की अवधि के दौरान
ही देना होगा। और इद्दत की अवधि मैं बता दूं कि इद्दत की अवधि जो है 90 दिनों की होती है, ठीक है, 90 दिनों के बाद तक की होती है इद्दत की जो तलाक की तलाक सॉरी इद्दत की जो अवधि है 90, तलाक के 90 दिनों के बाद तक की होती है, ठीक है। अब बात आई, अब आगे बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, काफ़ी प्रदर्शन हुए, विरोध हुए इसको लेकर के, लेकिन फिर बाद में जो है धीरे धीरे 1930 में लेकर 1930 से लेकर के अब तक महिलाओं के आंदोलन का एक अहम एजेंडा हुआ जो आगे चल करके जो है उभरा, ठीक है। और आगे जो है हम बता दें कि वही साहबानों का केस एक बार फिर से चर्चा का विषय बना, साहबानों का केस एक बार फिर से ट्रिपल तलाक को लेकर के चर्चा का विषय बना, जहाँ पे महिलाओं के अधिकार और इस्लामिक विधि को लेकर के जो शरीयत एक्ट है, जो रीति रिवाज के कहीं न कहीं जो है उसको डिफेक्ट करता है, उसके लेकर के जो है एक मुद्दा का विषय बना। जो हम बात करें सायरा बानो के केस में, आप जानते हैं ये साहबानो पुराना केस है, जो वो भी महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये उठा दूसरा बार सायरा बानो के केस में, सायरा बानो के केस में कोर्ट ने, कोर्ट में जो है तीन तलाक को चुनौती दी, ठीक है। एक बार फिर चर्चा का विषय था, और ये जो है इसी से रिलेटेड जो साहबानों का केस था 1985 में भी काफ़ी में चर्चा का विषय रहा। तो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत विधि पर आधारित है, अगर हम मोटे तौर पे कहें तो शरीयत को जो कुरान के प्रावधान हैं, जो जो भी मोहम्मद साहब ने अपने कथनों द्वारा, शिक्षा द्वारा या प्रथा के रूप में समझा था या जो दिया था, आज के डेट में जो संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, जो समानता की बात करता है, जो भारत के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण देता है, ठीक है, चाहे वो शादी, तलाक, विरासत, बच्चों के लिए, चाहे हिरासत या तमाम तरीके की जो बात करता है पर्सनल लॉ, समानता की बात करता है, तो वहीं जो है मुस्लिम लॉ पर्सनल जो विधि है वो भी इसके अंतर्गत समाहित हो जाती है। और ट्रिपल तलाक की बात है तो उसमें क्या किसी किसी को मात्र 3 बार तलाक तलाक कहने से उसका विवाह विच्छेद हो जाता है, इस पे काफ़ी चर्चा का विषय बना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, लेकिन अभी भी जो है उसका मुद्दा बना हुआ है। तो आज की इस जो है बेसिक पॉइंट में मैं केवल ही जो बताया हिस्टोरिकल, इसका बैकग्राउंड क्या है, सिंपल सी भाषा में हमने बताया है कि क्या शरीयत एक्ट है, शरीयत कानून क्या है, भारत में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, और कब इसको जो है भारत में लेके आया गया, किस तरह से क्या हुआ, ये चीज़ है। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अपनों अपने जो दोस्त हैं, जो यार हैं, उनको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो है इस पे जो वीडियो बना रहा हूँ वो प्रिपरेशन लेवल का वीडियो है, जो जुडिशरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।